आए उस गिरजा का गिरजा का टीका लेके वे चाल पड़े ब्राह्मण नाई। इंद्रपुरी में पहुंच गए जहां भरी सभा बैठी पाई। इंद्र महाराज के दरबार में जाते हैं, पहले इंद्र भगवान के पास जाते हैं कि गिरजा का टीका लेकर आए से और तेरे सगाई कराएंगे इसकी। तो वो इंद्र भगवान से कहने लगे, इंद्र क्या कहता है और क्या कह रहे थे ब्राह्मण नाई उस इंद्र भगवान से क्या बताया। कहने लगे इंद्र ते जाके, कहने लगे इंद्र ते जाके गिरजा का टीका लाया सू भवसागर ते पार तार दे तिरनी ना लाया सू हिमाचल के धरी से सिर बैठा जाया इंद्रपुरी में रहने खतर मैं जग जननी लाया बात नहीं से फिर बोले नाई ब्राह्मण ने बोले फिर जावे किते। तो इंद्र भगवान ने कहा कृतु जी के लड़के अग्नि स्वाहा हैं, अग्नि देवता हैं, उनके पास चले जाओ वो उठेगा इसने। तो वो अग्नि के पास जाते हैं और क्या कहने लगे,
अग्नि देवता से क्या बताया। आए फेर ब्राह्मण गया अग्नपुरी में, कहने लग्या मीठी वाणी इमा चल के पैदा हो री दुर्गा अंबका महारानी। और किसे ते जिक्र मत करिए के ते जानी के मैं जानी। गिरजा के संग शादी करने जगे गिट्टी में चमके पानी। गिरजा के संग शादी करने गिट्टी में चमके पानी। सतलोक में बास करेगा वो मुक्ति की कहने लगे भाई भाई थम न्यू करो, मेरे बस का भी वो काम नहीं से। ब्राह्मण नाई हार थक गए, न्यू कहने लगे भाई अरे इंद्र भगवान नाटिया अग्नि देवता नाटिया फिर ये किसके भी आई जाएगी। तो उस अग्नि देवता के आगे हाथ जोड़ते हैं नाई। ब्राह्मण कहने लगे हे भगवान आप कोई रास्ता बताओ हम कहां जाएं। ने बोला सतलोक में चले जाओ। कहां? जहां वो क्षीर सागर में विष्णु भगवान बैठे हुए हैं भाई वो उठेगा इसने। अब विष्णु भगवान के पास जाते हैं सतलोक में और क्या कहने लगे नाई ब्राह्मण क्या बताया। मेरे विप्री पहुंचे सतलोक में, विप्रे पहुंचे सतलोक में। अरे विष्णु ते अरदास करी टीका लाया सू गिरजा का, याई मां चलने आस करी। इंदर अग्नि नाट गए फिर तेरी तलाश करी। गिरजा ने तो आप उठ लो मन सबकी अजमाश करी। गिरजा ने तो आप उठ लो सबकी मन आश करी। सत में सती सती का विष्णु भगवान नाटिया ने बोला भाई आदर सहित आए और आदर सहित चले जाओ।
भाई मेरे बस की भी बात कौन है, ब्याई कौन है, जा मेरे तरह खी ना जा। अब वे नाई और ब्राह्मण सोचने लगे कि भाई अब कहाँ जाया जाए, तो विष्णु भगवान से अरदास करते हैं, भगवान आप कोई रास्ता बताओ, निवला कैलाश पर्वत पर चले जाओ। भाई उठेगा तो वह उठले नहीं, इसने कोई उठेगा नहीं। तो देखिए कैलाश पर्वत पर जहां भोलेनाथ बैठे हुए थे, और नाई ब्राह्मण पहुंच गए, और वो चिलम पिए लग गया समाधि में। कोई छह महीने हो गए नाई ब्राह्मण में दोनों बैठे, और आंख को ना खोली, और जब छह महीने पाछे आंख खोली तो नाई ब्राह्मण के तो लत्ते भी मैं ले लिए इतने तय। सोचने लगे आए थे रिश्ता करने, यो बैठे हुए आंखें ना खोले, क्या बताया। आखिर में नंबर चार में उसे भोलेनाथ से अरदास करते हैं, और कैसे नाई ब्राह्मण चाल पड़े फेरे में, नाई ब्राह्मण चाल पड़े थे रे माचल के घर आया, विष्णु विष्णु ब्रह्मा ब्रह्मा रटता रटता हर आया। कविराज एक चट्टी के माँ वो कविता करने नर आया, मांगे राम गुरु लक्ष्मी चंद